प्रदेश में लगातार कोरोना के पॉजिटिव केस सामने आ रहे हैं। इस बीच राजस्थान के उपमुख्यमंत्री सचिन पायलट ने प्रदेश में कोरोना की स्थिति और भीलवाड़ा मॉडल पर खुलकर अपनी बात रखी। कोरोना से जब हिंदुस्तान जंग लड़ रहा है तो भीलवाड़ा मॉडल सबकी जुबान पर है, क्योंकि राजस्थान का ये शहर कामयाबी के साथ कोरोना पर पार पाता दिख रहा है। भीलवाड़ा में पिछले महीने सामुदायिक संक्रमण का खतरा बना था, लेकिन अब वहां मरीजों ने कोरोना से जंग जीत ली। हालांकि यह सब हुआ भीलवाड़ा में सोशल डिस्टेंसिंग को सफलतापूर्वक लागू करने और टेस्टिंग ट्रेसिंग के मंत्र को अपनाने से। लिहाजा उपमुख्यमंत्री सचिन पायलट ने महामारी को लेकर प्रदेश सरकार की ओर से उठाए गए कदमों का जिक्र किया, साथ ही लॉकडाउन बढ़ाने का भी समर्थन करते नजर आए ताकि कोरोना की जंग को जीता जा सके। बाद में और क्या रहने वाला है, आगे की स्थितियां क्या रहेगी, इसके साथ इसको जानने के लिए हमारे साथ यहां पर हैं सचिन पायलट साहब, उनसे बातचीत करते हैं। सर, किस तरह का फीडबैक सामने आया है, आप लोग जनता से सीधा आपका जुड़ाव भी रहा है, क्या निकलकर कह रहा, पूरा निष्कर्ष क्या रहेगा सर 14 तारीख के बाद की जो स्थितियां हैं? हम लोगों ने पूरा एहतियात बरता था, लॉकडाउन सबसे पहले राजस्थान में हुआ था, उसके बाद भीलवाड़ा में काफ़ी लोग पॉजिटिव पाए गए और हम लोगों ने मेहनत करी और सबका सहयोग मिला। अब वहाँ पर कोई भी व्यक्ति पॉजिटिव नहीं है, लेकिन जयपुर बाकी जिलों से खबरें आ रही हैं कि संख्या बढ़ रही है, तो लॉकडाउन शायद औपचारिक रूप से दिल्ली से घोषणा हो जाएगी। ये बढ़ना भी चाहिए क्योंकि अभी समय नहीं है कि हम रिस्क को लें, लेकिन लोगों तक मदद पहुंचे और कोई ज़रूरतमंद व्यक्ति भूखे पेट खाली पेट ना सोए, ये सरकार का संकल्प है। पार्टी के लोग सब, कांग्रेस के लोग लगे हुए हैं, जिले के अध्यक्ष पार्टी के नेता सब सामग्री दे रहे हैं, दानदाता भी हैं, भामाशाह भी हैं। कोशिश ये है कि जो ज़रूरतमंद व्यक्ति परिवार हैं वो वंचित ना रहें किसी बात से, इस पर पूरा ध्यान हमारा फोकस है। जयपुर सर एक एपिक सेंटर बन चुका है, क्योंकि 168 से ज़्यादा जो केस है, आज की जो अचानक से 3:30 बजे का जो बुलेटिन हुआ है, उसमें कहीं ना कहीं स्थितियाँ आपको नहीं लग रही है नाजुक हैं? भीलवाड़ा एक बड़ा रोल मॉडल निकल के आया सामने और उसके बाद उसकी तर्ज पर यहाँ वैसा काम नहीं हो रहा है जैसा होना चाहिए। लगातार कर्फ्यू में जो ढील दी गई है, बीच में जनता अभी भी एक इलाके से दूसरे इलाके में जा रही है, तो क्या होना चाहिए सर आपके लिए? हर जिले की स्थिति अलग अलग होती है, कुछ जिले बड़े हैं, कुछ छोटे हैं, किसी का सामाजिक जो लैंडस्केप है वो अलग है, लेकिन यहाँ पर भी हम कठोरता से कर्फ्यू लगा दिया है। कोई व्यक्ति कोई गाड़ियाँ अब आ जा नहीं रही हैं और लोगों से मैं अपील करना चाहता हूँ कि खुद आके अपनी टेस्टिंग कराएं, वॉलंटियर करें स्क्रीनिंग के लिए, क्योंकि अधिकांश लोग जो से इन्फेक्टेड भी होते हैं उनका उपचार के बाद इलाज हो जाता है, वो स्वस्थ हो जाते हैं। तो एक तरह से एक नकारात्मक एक मोहर लग जाती है अगर कोई पॉजिटिव पाया जाता है, तो ये जो स्टिग्मा लगा हुआ है इससे हमें दूर पड़ना पड़ेगा। ये एक बीमारी है जो किसी को भी हो सकती है। सरकार की ओर से सर लगातार जिस तरीके से लोगों को सहूलियत मिलनी चाहिए, चाहे वो बिजली हो, चाहे पानी हो, राशन का सामान हो, सब तरह की सुविधा लगातार मुहैया कराई जा रही है, मगर कहीं ना कहीं स्थिति यह है कि 3 महीने के बाद की जो स्थितियाँ होंगी वो बहुत बिकट आने वाली है उनके लिए, रोजगार का कहीं ना कहीं संकट होने वाला है। और इंडस्ट्रीज की बात करें, वो लगातार डिमांड कर रही है कि जहाँ पर कर्फ्यू, जहाँ पर इसका असर नहीं है कोरोना का, उन जिलों को खोल दिया जाए या लॉकडाउन हटा दिया जाए। आप लोग, आपका क्या मत? इस पर बड़ा सोच समझ के हमें निर्णय लेना पड़ेगा, क्योंकि अर्थव्यवस्था को भी पुनर्जीवित करना पड़ेगा। इस देश में 83% जो लोग काम करते हैं वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में हैं, तो वो लोग तो दिहाड़ी का काम करते हैं और हैंड टू माउथ रोज खा के कमाते हैं, बच्चों को पालते हैं, तो वो हमारी प्राथमिकता है। हम भी चाहते हैं कि लॉकडाउन बहुत लंबा ना खींचे, लेकिन हम स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, ये पहली प्राथमिकता है। और समय तो पूरे देश समाज के लिए एक कठिन समय है, हम इसे उभर सकते हैं, लेकिन पहली ये है कि हम इस इन्फेक्शन को फैलने से रोकें, क्योंकि इन्फेक्शन ज़्यादा अगर फैल गया तो फिर हमारे पास, जैसे अमरीका में, इंग्लैंड में संसाधन है, हमारे पास बहुत कम है, हम हैं उनकी जो गलतियाँ हैं उसको हम दोहरा नहीं सकते हैं। इसलिए बहुत एहतियात बरतना पड़ेगा, बहुत सोच समझ के कदम उठाने पड़ेंगे, और जो निर्णय सरकारें ले रही हैं, प्रशासन ले रहा है, उसका हमें कठोरता से पालन करना पड़ेगा। स्क्रीनिंग और सर टेस्टिंग की आप बात कर रहे थे, रैंडम तरीके से, क्या लगता है सर आपको? वो भी हम चालू कर रहे हैं ताकि रैंडम चेकिंग भी हम लोग कर सकें, उसके लिए जो किट्स हैं उसको भी हम लोग मंगवा रहे हैं। केंद्र सरकार से भी हमने कहा है कि हमारी मदद करें इस दिशा में, और अभी तो जो हॉटस्पॉट्स हैं उस पर हम कंटेन कर पाएँ, लोगों का मूवमेंट हम लोग कम कर सकें, इस पर हमारा ध्यान है, लेकिन जनता का पूरा सहयोग मिले तभी कोई कर्फ्यू कामयाब होता है। इसलिए मैं अपील करना चाहता हूं कि इस कठिन समय में सबको दुख है, पीड़ा है, बड़ा मुश्किल का समय है, लेकिन धैर्य रखें, हिम्मत रखें और जो आदेश सरकारों के हैं उसका पूरी तरह पालन करें। तो बिल्कुल
ये थे सचिन पायलट साहब जो बता रहे थे, अगर आपको इस कोरोना से बचाव करना है या आपको इस संकट से लड़ना है तो आपको घरों के अंदर रहना है, इसी के बाद आप इस कोरोना जैसी महामारी से लड़ सकते हैं और उससे निपट सकते हैं।